हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉडी टूल रिपेयर में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे रिपेयर की जाती है, कैसे इसका स्पैंडल चेंज किया जाता है, कैसे इसका माउथ चेंज किया जाता है। 326 डोंगचेंग की जो मशीन है, हैमर, जो हम मोस्टली वर्क में लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो का, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये सब कुछ देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अच्छे से माउथ खोलेंगे। माउथ खोलने के बाद धीरे 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 आगे प्रोसेसिंग करते रहेंगे। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब भी मशीन, कोई भी मशीन आप खोलो, जिस मशीन में हैमर चलती है, जैसे मतलब चोट मारने वाली कोई मशीन हो, तो उसको हम अच्छे से पहले साफ़ करेंगे। साफ़ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समझ में नहीं आ पाता ना प्रॉब्लम है क्या। तो पहले हम देख लिए, इस वीडियो में देखते रहिए, हमने इसका माउथ आगे से निकाल लिया है और हम अच्छे से इसको पहले साफ़ करेंगे। सूच भी हमने पहले निकाल दिया था, अब माउथ निकाल दिया हमने। ये गिरारी है इसका, जो ये पिस्टन चलने वाला जो माउथ है, वो हम अच्छे से पहले साफ़ करेंगे। फिर नीचे से थोड़ा सा ठोकेंगे और ये बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। दोस्तों अब ध्यान से देखिए कैसे चेंज होता है, क्योंकि इसका आगे का जो बिट जो डलता है वो इसका ख़राब है, और हमें इसे को करना है चेंज। तो देखते रहिए, हम थोड़ा सा इस बेयरिंग को भी साफ़ कर लेंगे। हाँ तो दोस्तों देखते रहिए, अब आगे आपको ये हथौड़ी की मदद से बेयरिंग को नीचे सरकाना है। नीचे थोड़ा सा खींच करना है, इसके नीचे होती है गोलियाँ, इसके ऊपर होता है लॉक। लॉक पहले लॉक को निकालना है, उसके नीचे बेयरिंग को हमें चोट मार के नीचे लेके आना है, और फिर ये वो गोलियाँ जो है वो निकल जाएगी। जो तीन गोलियाँ होती है, इसको लॉक में रखता है, वो बाहर नहीं निकलने देता। दोस्तों देखिए हम इसको कर पाते हैं कि नहीं। हाँ ये हमने कर दिया। अब देख लीजिए, अब हमने तीनों गोलियाँ निकाल दी, और अब आगे का माउथ निकाल देंगे बिल्कुल नॉर्मल। इसे पीछे से थोड़ा सा हमें पुश करना पड़ेगा और माउथ बाहर आ जाएगा। देख लीजिए हम कैसे पुश करते हैं, और ये देखिए थोड़ा सा दबाया और ये बाहर आ गया। ठीक है, अभी इसको अच्छे से साफ़ करके अब नया वाला डालेंगे हम। अब धीरे धीरे देखिए, हम वीडियो को एंड तक ज़रूर देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हो, अगर आपने घर में मशीन खोल रखी है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब देखिए तीनों गोलियाँ हमको सेफ़ रखनी है, क्योंकि वापस यही काम में आने वाली है। कभी कभी क्या होता है, इनकी गोलियाँ मिल नहीं पाती हमें, तो साइज़ नहीं मिल पाता, तो ये काम नहीं करती। अब देखिए सेम पोजीशन में हम डाल देंगे वो गोलियाँ। अंदर का पिस्टन है, पिस्टन का भी हिसाब अच्छे से होता है। धीरे धीरे देखते रहिए हमारी वीडियो। ये तीनों गोलियाँ डाल देंगे और वापस का वापस, वैसे का वैसे, एज इट इज़ हम वापस माउथ में डालेंगे। देखते रहिए धीरे धीरे, हमारी वीडियो जैसे आगे निकलती रहेगी, आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, अब ग्रीस लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पिस्टन आगे पीछे होता रहता है, घूमता रहता है, तो पिस्टन में ग्रीस लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देख लीजिए हमने वापस डाल दिया है, वैसे के वैसे जैसे हमने निकाला था। अब वापस तीनों गोलियां हमें लगानी है, और गोलियों के ऊपर बेयरिंग भी डालना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, बेयरिंग को नीचे तक बैठाना बहुत ज़रूरी होता है, और बेयरिंग के ऊपर लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चलते चलते कभी ये बेयरिंग आगे निकल जाता है, कभी पीछे हो जाता है, तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए हम इसको बेयरिंग लगाएंगे, इसको ठोकेंगे बेयरिंग को, वापस उसी जगह पे लेके आएंगे। गोलियों के बिल्कुल ऊपर आएगा ये, देखते रहिए, गोली के बिल्कुल ऊपर आएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। देख लीजिए हमने इसको ये गोल ऑब्जेक्ट की मदद से नीचे ठोक दिया। ठीक है, और हम लॉक लगा रहे हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, ध्यान से देखना, ये लॉक हमने नीचे की तरफ बिठा दिया है। ये देखो, ये लॉक नीचे की तरफ हमने बिठा दिया है। लोग थोड़ा सा हार्ड बहुत ज़्यादा होता है ये, अच्छे से लगाना, क्योंकि इसमें चोट भी आपको लग सकती है, सेफ्टी फर्स्ट होती है दोस्तों। तो ये देखिए हमने लोग लगा दिए नीचे तक, बिल्कुल ग्रुप में जब लोग आ जाता है तब ही सही होता है। ठीक है, तो हमने लोग लगा दिया दोस्तों, देख लीजिए धीरे धीरे करके हम आगे की स्टेप पूरे करते रहेंगे, और आपको पता लगता रहेगा कि ये हैमर मशीन कैसे ठीक होती है कैसे नहीं। देख लीजिए हम आप वापस फिट कर दिए, वैसे के वैसे ही आगे का जो माउथ होता है उसमें वापस फिट कर दिया हम। देख लीजिए, अब आगे की वीडियो आप देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा
पीछे से भी थोड़ा ठोकना पड़ेगा, क्योंकि उसी शेप में उसी साइज में लेके आना पड़ेगा हमको, तभी ये चोट अच्छे से लगा पाएगी। ठीक है, हाँ देख लीजिए। अब आगे का जो माउथ है जिसमें छेनी होती है या बिट होता है, वो आगे डालते हैं हम, जो घूमता है वो जो सुराख निकालते हैं, जो या जो छेनी होती है चोट लगाने के लिए, जो प्लम्बर ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, तो हमें ये हमने पिस्टन डाल दिया पीछे। आपने देखा दोस्तों, हमने पिस्टन भी डाल दिया है और आगे का वो जो गोलियां होती है लॉक होता है वो भी डाल दिया। और अब हम इसको बिल्कुल साइज़ में बिठा के बिल्कुल ओके कर देंगे, उसी शेप में जैसे बिल्कुल पहले जो जैसे नई मशीन थी वैसे की वैसे हमने ठीक कर दिए। हम इसका स्क्रू टाइट कर देंगे धीरे 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 अच्छे से। स्विच लगाना है हमें बाद में, स्विच बाद में लगाना है क्योंकि पता लग जाता है हमें प्रॉब्लम है क्या आखिरकार, स्विच बाद में ही लगता है। और हमारे चैनल को साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम आगे आपको हर पावर टूल हर हैंड टूल की जानकारी देते रहेंगे। जैसे कि हमने ये स्क्रू चारों टाइट कर लिए बिल्कुल अच्छे से, अब बारी आती है इसके माउथ की, जहां हम बिट जो है छेनी जो है हम घुसाते हैं वहां उसकी बारी आती है। तो देखते रहिए हमारी वीडियो को एंड तक बने रहिए, आपको हर चीज़ समझ में आएगी बड़ी अच्छे से। अब हमने स्प्रिंग डाल दी है और ये भी हमने नया डाला है माउथ, इसके एक और वॉशर आती है उसकी, ये भी लगा दी हमने। ये देखते रहिए आप वीडियो में। अब इसके ऊपर लगेगा लॉक, लॉक के बिना ये चल नहीं पाएगी क्योंकि बाहर आ जाएगा माउथ, जैसे भी आप काम करते रहोगे तो एकदम से बाहर निकल जाएगा, काम हो नहीं पाएगा। जैसे अब देखिए जी, ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने लॉक लगा दिया दोस्तों। लॉक लगाने के बाद आप देख लीजिए कि हैमर मशीन हमारी बिल्कुल रिपेयरिंग होकर नई की जैसी तैयार हो जाती है। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में इसका यूज़ भी दिखा दिया था रिपेयर करके। अब देखिए हमने लॉक लगा दिया दोस्तों, लॉक हार्ड बहुत होता है और पेचकस की इसमें छोटा पेचकस सही होता है, तो जब कभी भी लॉक डालो तब छोटे पेचकस से ही डालो। देख लीजिए, हमने इसका माउथ आगे का जो माउथ थोड़ा बाकी रह जाता है वो भी डाल दिया, रबड़ का जो होता है वो पुश करने से ही डलता है, उसमें कोई रिंग वसल नहीं आती। ये लीजिए दोस्तों, हमने हमारी वीडियो कंप्लीट कर ली। और आगे की वीडियो को देखते रहने के लिए हमारा बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने इसका स्विच भी लगा दिया, जो हैमर को हैमर में बदलता है या हिल्टी में बदलता है या चोट मारने में बदलता है ना, वो स्विच भी हमने लगा दिया है। और हमने इसका बस स्क्रू टाइट करने बाकी है, आपको यूज़ करके दिखाना बाकी है दोस्तों। ओके, अगर मुझसे आप कुछ सीख पाए तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे तक बने रहिए, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। ओके दोस्तों, देखते रहिए वीडियो के एंड तक, हम दिखाएंगे आपको अभी। ये देखिए लीजिए, हमने यूज़ काम कर रहा है, अच्छे वर्क कर रहा है दोस्तों, एकदम बढ़िया वर्क कर रहा है, नए के नए, जैसे जैसे हम नई मशीन खरीदते हैं वैसे के वैसे। ओके दोस्तों, बाय बाय।